डी का पहला सवाल, और एक्स वाई की वैल्यू निकालो, दो वैल्यू निकालनी होगी, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक एक्स वाई की, और आपको दो वैल्यू दी है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा अगर मैंने ये वैल्यू निकालनी है, पहले यहाँ देखो, अगर मैंने ये वैल्यू निकालनी है और दो वैल्यू ये दी है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, मुझे ऐसा फार्मूला लगाना होगा इन तीनों में कि उस फार्मूले में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। आप लोग बोले सोचेंगे सर ये फार्मूला तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखो ये इसमें मौजूद है, ये इसमें मौजूद है, लेकिन ये नहीं मौजूद, ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का। तो आपने ऐसा फार्मूला तलाश करना है जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हो। तो इसके लिए फिर एक फार्मूला है जो कि मैंने ऊपर नोट डाउन कर दिया, आप लोगों ने इसको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, कि वो होता है टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं इसके। प्रूव ये है कि ये दोनों इसके बराबर होते हैं। कैसे? अगर मैं इसको खोलूँ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर में, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बीच में प्लस, और इसको मैं खोलूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो टू एक्स वाई माइनस का टू एक्स वाई प्लस का क्या रह गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर क्या रह गया वाई स्क्वायर और वहाँ क्या रह गया वाई स्क्वायर, तो दो एक्स स्क्वायर रह गए और दो वाई स्क्वायर रह गए। इन दोनों में से ये टू कॉमन निकालो, बाहर निकाल दो, क्या रह जाएगा ये देखो, इसका मतलब ये बराबर है, ये बराबर है इसके। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें, हमने ये फार्मूला क्यों पुट किया, देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है जो हमने मालूम करना है, और जो दो वैल्यू दिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वो भी मौजूद है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, टू अपनी जगह, ये वैल्यू मालूम करनी है मैंने यहाँ लिख दिया, जो मालूम करेंगे उसको यही लिख दो। x प्लस वाई की वैल्यू दी है क्या है 8, और 8 के ऊपर क्या है स्क्वायर। अच्छा अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो 4.2, तो हम छोटे छोटे वैल्यूज पुट करते थे, जैसे 2a माइनस 3b, a और b की वैल्यू पुट करो, 5x की वैल्यू पुट करो, जब उसकी जगह 3 आ जाएगा तो 5 3 15। अब क्वेश्चन के अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना सीखेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या पुट करूँगा 3। सिंपल ये है कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8 8 64। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं 8 2 16, 8 2 टाइम्स है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 3 2 टाइम्स है, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे, तो 3 3 9, 64 और 9 को प्लस करोगे मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आ जाएगा 70, 4 और 9 कितने होते हैं मैं तो भूल गया हूँ, 73 मेरे ख्याल से 73, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा मैं ये 2s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाके क्या करेगा डिवाइड, ये मैं क्यों नीचे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 73 ओवर 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मालूम करना था ना, अब इसके बाद कह रहे कि आप ये भी मालूम करो एक्स वाई, तो मुझे ऐसा फार्मूला लगाना होगा जिसमें ये दोनों वैल्यू भी हो और एक्स वाई भी हो, वो फिर यही फार्मूले से रिलेटेड एक फार्मूला है, 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ प्लस है तो 4 वाले में माइनस, यहाँ पर ये दोनों चेंज हो जाएगी। अब इसे मैं एक्स वाई निकाल सकता हूँ, अब इसको याद कैसे रखना है कि ये प्लस ये माइनस, छोटी वैल्यू 2 है तो इसके थोड़ा बढ़ाओ प्लस, और 4 वैल्यू बड़ी है उसको थोड़ा कम करो माइनस, तो जहाँ 4 की वैल्यू हो बड़ी उसके साथ माइनस और छोटी हो उसके साथ प्लस, तो 4xy, मैंने xy की वैल्यू मालूम कर रही है, मुझे इसकी वैल्यू दी है वो क्या था 8 8 8 64 माइनस, और 3 की वैल्यू दी है 3 3 स्क्वायर, 8 8 64 माइनस 3 3 9, 4xy 64 में से जब आप 9 निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ये आता है 55 मेरे ख्याल से, और यहाँ पर क्या है एक्स वाई, अब ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे क्या करेगा डिवाइड, तो एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास क्या आ गई 55 और 4। एक्स वाई ये 4 क्यों डिवाइड में आया, क्योंकि मुझे एक्स वाई चाहिए था, तो ये आपके पास सवाल था। इसकी अब वैल्यू चेंज की है, जैसे एक्स प्लस वाई, वाई की जगह क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ 10 हो और यहाँ क्या हो, यहाँ 10 और यहाँ 7, यहाँ 10 और यहाँ 7, तो बिल्कुल सिंपल ये है, इसकी जगह 10 लिखो, इसकी जगह 7, और आंसर को चेंज कर दो। देखो
इसकी जगह 10 और इसकी जगह 10, 10 जा 100, 7, 7 जा 49, इसका आंसर आ जाएगा 149 और वही 2 नीचे डिवाइड में आंसर ये आ गया। अब एक्स वाई की वैल्यू इसकी जगह क्या है 10 और इसकी जगह 7, बस आंसर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 और 7, 10 10 जा 100। आप लोग बोलेंगे सर ये क्या, ये सर क्या कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी नहीं कर रहा, सिर्फ ये कर रहा हूँ कि हमारा टाइम बच जाएगा, पूरे सवाल मिटाऊंगा फिर दोबारा लिखूंगा। तो ये आ जाएगा तीसरा सवाल, यहाँ पर 11 है, यहाँ है 5, देखो कैसे एक चीज़ मिटा रहा हूँ और उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 11 और 5, 11 और 5, 11 और 5, सिर्फ आंसर चेंज हो जाएगा, देखो 11 और 5, 11 11 जा 121, 5 5 जा 25। अब जब ये दोनों प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4 1। अब ये कट रहा है मेरे ख्याल से, ये कट रहा है 2 1 दा 2, 2 7 जा 14 और 2 3 दा 6, इसका आंसर 73 आ रहा है। यहाँ पर 11, यहाँ 5, 11 11 जा 121 और 5 25। अब 11 1 to 1 से जब मैं 25 माइनस करूँगा, जैसे 1 to 1 से मेरी मेद थोड़ी सी कमज़ोर है, और 11 से 5 निकालो 6 और 11 से वो 2 निकालो 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 96 और यहाँ क्या है 4। अब ये 4 के टेबल में आते हैं, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ आता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मतलब 2 और 1 यहाँ चला जाएगा 2 8 ज़ा 16, इसका आंसर आया 28। आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेगी। सिर्फ यहाँ पर आखिरी इसका सवाल है 7 और 4, यहाँ 7 यहाँ 4, यहाँ 7 और 4, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी 7 और 4, यहाँ क्या है 7। आप जब बुक खोलेंगे आपको पूरे मैं ये क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बुक खोलेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, बुक नहीं खोलेंगे तो यकीन करें आप सिर्फ देखते रह जाएंगे कि ये सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बुक खोलेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 4, 7 7 जो 49, 4 4 जो 16। अब फिर मैं यह कर रहा हूँ 6 और 9 कितना होता है 5 और 5 और 1 6 65, इसके नीचे क्या था 2, 65 और 2, 7 7 जो 49 और 4 4 जो 16, 9 में से 6 निकालो, 9 में से जब 6 निकालेंगे 3 और 4 से 1 निकालेंगे 3, इसके नीचे क्या है 4,